सीरियल कुमकुम भाग्य में पूर्वी जो है ना वो फाइनली बहुओं वाली हरकत कर रही है, मतलब टीवी की बहुओं वाली हरकत, जासूसी करना, पर्दाफाश करना, वैम का एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑफकोर्स उसको अपने पूर्वजों को, यानी कि पूर्वज से मेरा मतलब है कि पहली जनरेशन जो इससे पहले गई, उनके नक्शे कदम पे तो चलना ही है ना। तो बस मोनिशा का ये पर्दाफाश करना चाहती है, लेकिन पूर्वी जस्ट अ वर्ड ऑफ कॉशन, क्योंकि आप नई नई हैं इस गेम में भैया, वैम्प से पंगा लेना इतना आसान भी नहीं होता। अब अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है, लेकिन पूर्वी जरा संभल कर, प्यार में थोड़ा गिरना पड़ता है तो थोड़ा संभलना भी पड़ता है। अब आप मोनिशा को ये यकीन तो दिला रही हैं कि आपके और आरवी के बीच प्यार की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन कहीं सच में आपको आरवी से सच्चा वाला प्यार ना हो जाए। आज तो पूर्वी ने मोनिशा के दिल में ऐसी चिंगारी लगाई है जिससे उसकी जलन और भी बढ़ गई है। दरअसल पूर्वी ने देख ली है सीसीटीवी फुटेज और उसे पूरा पूरा शक मोनिशा पर है कि खाने में फूड पॉइजनिंग उसने ही की थी, लेकिन पूर्वी ये बात मोनिशा के मुंह से उगलवाना चाहती है और ऐसे में वो उसे इरिटेट कर रही है। सो बेसिकली पूर्वी ने देखा सीसीटीवी फुटेज में और उसे लगा है कि जिसने भी फूड पॉइजनिंग किया मोनिशा थी। तो अभी वो जितना आरवी के पास जा रही है उसको मोनिशा उतनी खटक रही है, क्योंकि उसे अब फाइनली पता चला है कि मोनिशा के इंटेंशंस अच्छे नहीं है। सो अभी भी एक सीन में वो मोनिशा को ऐसा शो करती है कि उसने आरवी को किस किया, जो कि नहीं किया है, और उसके बाद भी वो मोनिशा की मजे ले रही है। अब पूर्वी ने जैसे ही मोनिशा को ये बताया कि उसने आरवी को किस किया है, मोनिशा के तो होश ही उड़ गए, लेकिन ये सब कर पूर्वी को तो बड़ा मजा आ रहा है। और यहाँ प्यार में मोनिशा को हो रही है जलन। अब प्यार में इंसान पागल हो जाता है, इसका एक और सबूत है ताशु, जो कि रणबीर के साथ अपने रोमांस के ख्याली पुलाव बना रही है। अब ताशु और रणबीर की शादी हो चुकी है, लेकिन भाई रणबीर तो अपने दिल के दरवाजे बहुत पहले ही बंद कर चुका है, पर ताशु तो रणबीर के ख्यालों में खोई हुई है और उसे लग रहा है कि शायद रणबीर को भी उसके प्यार का एहसास हो। वो बस अपने ख्यालों में खोई हुई है, बिकॉज उसे उम्मीदें हैं शायद कि इन फ्यूचर शायद उसने अब केके से शादी कर ली है तो शायद केके भी कहीं उनसे प्यार करना शुरू कर दें, और बिकॉज अभी तक केके की तरफ से वो प्यार उनको दिखा नहीं है तो वो अपने ख्यालों में उनसे मोहब्बत करती है, इश्क करती है, सब अपने ख्यालों में करती रहती है, उलझी नहीं है, बस इसीलिए वो ख्यालों में खो जाती है केके के। केके को मुझे नहीं लगता भनक है अभी फिलहाल इन फीलिंग्स की, क्योंकि केके सच बताऊं तो अभी अपना दिल जो है बहुत पहले शट डाउन करके बैठा हुआ है। शायद अगर केके नोटिस करे और समझे ये चीज को तो केके रोक दे इस चीज को और वो बोले कि ये फॉल्स होप्स वो नहीं देना चाहे। लेकिन जरा संभल के ताशु, कहीं आप हर्ट ना हो जाए। न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।